हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। क्या आप जानते हैं कि नींबू केवल खाने में स्वाद और चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के काम नहीं आता, बल्कि यह घर के कीमती सामानों को भी साफ करने में बहुत काम आता है। इसमें पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। अगर आप घर पर पड़ी चीजों को साफ करने की सोच रही हैं, तो उन्हें नींबू के मदद से साफ करें। कैसे, चलिए हम बताते हैं ना। माइक्रोवेव की सफाई के लिए आपको बहुत खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप घरेलू और सस्ते उपाय से इसे आसानी से साफ कर सकते हैं। माइक्रोवेव में एक कटोरे में 2 कप पानी भरें और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालें। अब माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए चलाकर छोड़ दें, फिर टॉवल से सारी गंदगी पोंछ लें। इससे माइक्रोवेव साफ होने के साथ साथ महकने भी लगेगा। फ्रिज को समय समय पर साफ करने की बहुत जरूरत होती है। इसे साफ करने के लिए कॉटन बॉल्स को नींबू के रस में डुबोएं और उन्हें फ्रिज में कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। फ्रिज में लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए नींबू को आधा काट लें, फिर उस पर थोड़ा नमक लगाकर दाग वाली जगह पर रगड़ें। इस तरह दाग धब्बे तो दूर होंगे ही, नींबू के रस की वजह से फ्रिज से आने वाली दुर्गंध भी दूर हो जाएगी। सिंक से चिपचिपे ग्रीस को हटाने के लिए आपको कई बार इसे गर्म पानी से धोना पड़ता है, लेकिन अगर आप सिंक को आसानी से साफ करना चाहती हैं, तो नींबू को नमक में निचोड़कर गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसको साबुन के घोल के साथ मिलाकर स्क्रबर के मदद से साफ करें। इस उपाय को अपनाने से सिंक चमकने लगेगा। अगर स्टोव या गैस के यूज से तांबे की पेंदी पर कालिख लग गई हो, तो उसे नींबू और नमक मिलाकर रगड़कर छुड़ाएं और देखें कैसे आपके तांबे के बर्तन चमक उठेंगे। आप पीतल के बर्तनों को नींबू से साफ नहीं कर सकती, वरना वो घिस सकता है। अगर बर्तन कठोर या मोटाई से ज्यादा है, तब आप नींबू का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप घर में पीतल की मूर्तियाँ या सजाने का कोई सामान है, तो आप उसे नींबू से साफ कर सकती हैं। कई बार हमारे प्लास्टिक के टिफिन या बर्तनों में तेल और मसाले के दाग रह जाते हैं, जो आसानी से नहीं जाते। नींबू प्लास्टिक को साफ करने में बेहतरीन है। अगर आपको अपने टिफिन या प्लास्टिक के बर्तनों को तेल और खाने के दाग से छुटकारा दिलाना है, तो उन्हें 1 रात पहले नींबू के रस में डुबो दें और दूसरे दिन उसे बेकिंग सोडा के मदद से साफ करें। यह प्लास्टिक से महक को दूर करने में भी कारगर है। अगर आपके सफेद कपड़े या जूते कई दिनों तक अलमारी में रखने की वजह से पीले पड़ गए हैं, तो उन्हें नींबू के रस में डुबोकर रख दीजिए। कुछ समय बाद उन्हें धोकर धूप में सुखाने से वह दोबारा से सफेद हो जाएंगे। जब कभी कपड़े या पर्स किसी धातु के संपर्क में आते हैं, तो उन पर जंग लग जाती है, तो इसको हटाने के लिए सामान पर नींबू के रस को छिड़क कर बेकिंग सोडा लगाएं, फिर 3 से 4 घंटों के लिए छोड़ दें और पानी से धो लें। इससे धातु के दाग निकल जाएंगे। खिड़कियों पर लगे सफेद पानी के दाग को आप नींबू में पाए जाने वाले सिट्रिक एसिड से साफ कर सकती हैं। अपनी खिड़कियों, शीशों के दरवाजे और यहाँ तक कि अपनी कार के शीशे को भी आप केवल नींबू की मदद से साफ कर सकती हैं। आई होप आपको ये किचन टिप्स पसंद आए होंगे। हेल्थ, ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।